शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की और शुरुआत कांग्रेस से, जहां एमपी कांग्रेस से टिकट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि जन आक्रोश यात्राओं के समापन के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और बैठक के बाद ही ये सूची जारी की जाएगी। तो 6 या 7 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। बता दें आपको कि जन आक्रोश यात्रा के समापन के बाद पहली सूची कांग्रेस जारी करेगी, ये कहना है प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का। इस वक्त की बड़ी खबर एमपी कांग्रेस से जुड़ी आपको बता रहे हैं। बीजेपी जहां अपनी 2 सूची जारी कर चुकी है, तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है, दूसरी तरफ जन आक्रोश यात्रा भी कांग्रेस की प्रदेश भर में चल रही है। ऐसे में बड़ी खबर एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 या 7 अक्टूबर को हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फिर से टिकट को लेकर ही चर्चा की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और संभावना है कि जिस तरह से बीजेपी अपनी पहली और दूसरी सूची में 39-39 नामों को सामने रख चुकी है, प्रत्याशियों का ऐलान 39-39 नामों का किया गया है, कांग्रेस संभवतः 100 से ज्यादा नाम पहली सूची में ला सकती है। हमारी यात्राएं जैसे ही संपूर्ण होंगी, मैंने बताया है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और हम इसका निर्णय करेंगे। हमारी यात्राएं जैसे ही संपूर्ण होंगी, मैंने बताया है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और हम इसका निर्णय करेंगे। तो देखिए, रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, उन्होंने कहा जन आक्रोश यात्राएं समाप्त होगी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होनी और उसके बाद हमारी पहली सूची जारी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते दीपक द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, यानी कि एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा होगी और उसके बाद ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। जया, जैसे रणदीप सुरजेवाला बोलते हुए नजर आए हैं कि पहले जन आक्रोश यात्रा खत्म हो जाए, उसके बाद जो सूची आनी है प्रत्याशियों की कांग्रेस की ओर से, क्योंकि अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई है। यदि बीजेपी की बात करते तो करीब 79 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, वहीं कांग्रेस की अभी एक भी सूची जारी नहीं हुई। उनका कहना है कि 5 अक्टूबर को जन आक्रोश यात्रा खत्म होगी, जिसके बाद जब सभी नेताओं की केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक होगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हो सकती है, चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके बाद नाम सामने आ सकते। तो करीब 100 से अधिक, कयास लगाए जा रहे कि 110-120 नामों के बीच में लिस्ट जारी हो सकती है। उसमें फिर जो भी होगा, पहले चरण के लिस्ट में जिसके नाम होंगे, जहां पर कांग्रेस हारी है या जीती है, उन सीटों पर वो नाम आगे घोषित कर सकते हैं। उस पे क्योंकि पहले जो जन आक्रोश यात्रा, उससे जनता का मन टटोल लिया गया है और कहां पर कांग्रेस सही तरीके से चुनाव में अपना पक्ष रख सकती है और कहां पर कांग्रेस जीत सकती है, वहां पर पहले हो सकता है प्रत्याशियों के नाम घोषित किया जाए, उसके बाद फिर मंथन के बाद हारी हुई सीटों पर फिर कांग्रेस अपने नाम घोषित करे। तो यह कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर तक पहले लिस्ट आने की संभावनाएं जया जताई जा रही है। कांग्रेस भी 7 अक्टूबर तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाले समय में जारी कर सकती है। जी जया, बिल्कुल इंतजार वही किया जा रहा है दीपक, कि आखिर बीजेपी ने तो प्रत्याशियों को सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस कौन से दिग्गजों को मैदान में बीजेपी के सामने उतारने वाली है, ये देखने वाली बात होगी और उसका जो खुलासा है वो 6 या 7 अक्टूबर के बाद ही होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।